सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सबको जितने भी मेरे व्यूवर एंड सब्सक्राइबर्स हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप राधिया नेचर सफारी या जू सफारी का टिकट बुक करते हैं तो बहुत लोगों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम दिखा है कि टिकट बुक करने के बाद उनको टिकट नहीं मिल पाता है, एम टिकट नहीं मिल पाता है, पेमेंट तो उनका डिडक्ट हो जाता है और मेल पर उसका कंफर्मेशन भी आ जाता है, बट जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया होता है टिकट बुक करने के वक्त, उस पर वो मैसेज नहीं आता जिस पे वो एम टिकट का लिंक होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको, अगर ऐसा कंडीशन हो, किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि वो अगर वो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो अगर उनका पेमेंट तो डिडक्ट हो जाता है, मेल पर कंफर्मेशन भी आ जाता है, बट उनके जो मोबाइल नंबर पर वो जो एम टिकट वाला मैसेज होता है वो नहीं आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सारा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, कैसे बुक करना है और कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, वहाँ जाने के लिए कैसे ऑनलाइन सारा रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे टिकट बुक करना है। मिनिमम 6 लोगों का बुक कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, 2 साल तक के बच्चे का टिकट नहीं लगता है, और गोद में जो बच्चा उसका टिकट नहीं लगता है, अदरवाइज जो भी है उस 3 साल से, सॉरी 3 साल तो उनका टिकट लगता है। तो एंट्री फीस सबके लिए है और बाकी अंदर जो एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कौन सा एक्टिविटी आपको करना है, उसको उसका पे आपको अलग से करना होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बुक किया था, मैंने 6 लोगों के लिए टिकट बुक किया था, तो वो क्या हुआ कि मुझे मेल पर तो कंफर्मेशन आ गया कि मेरा टिकट जो मैंने 6 लोगों के लिए बुक किया वो, जिसमें से 4 लोग एडल्ट थे और 2 बच्चे थे, तो 6 के 600 रुपये मेरे पेमेंट तो डिडक्ट हो गए, मेल पर कंफर्मेशन भी आ गया, बट जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैंने दिया था उस पे वो एम टिकट वाला मेल मुझे लिंक नहीं आया था, वो मैसेज नहीं आया था। तो फिर मैंने जो नेचर सफारी पे 2 मेल है जो उनके एक फॉरेस्ट विभाग का है उसपे मैंने मेल किया, तो वो मेल थोड़ा गलत था। फिर मैंने कॉल ट्राई किया, नंबर भी गलत बता रहा था, नंबर सही नहीं बता रहा था। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो वो नंबर साइट पे, प्लीज आप लोग उस नंबर को सही कर लें, ताकि बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन जो भी बुक कर रहे हैं उनको ये मैसेज नहीं आ रहा है। खैर, तो वहाँ पर एक और मेल आईडी मुझे मिला नेचर सफारी का, info@rajgirnaturesafari.com, तो @gmail.com। वहाँ पर आप जाने के बाद उस मेल से कैसे आपको क्या रिप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो मैं बता दूँ, जो आपको वो मेल पर तो आ जाता है बट मैसेज में नहीं आता, ठीक है। तो मेल वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपका पेमेंट जो कटा जिसके नाम से बुक था, ठीक है। तो उस स्क्रीनशॉट को लेकर कैसे आपको मेल करना है, चलिए मैं आपको स्क्रीन जो मैंने लास्ट मेल किया था नेचर सफारी के जो मेल है उसको मेल किया था, तो कैसे मुझे एम टिकट मिला तो वो मैं आपको सारा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सारा आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मेल किया था उनको, सर हेयर इज माई रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड, जैसे मैंने उनको मेल किया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। डियर सर, टुडे आई बुक 2 टिकट, 1 टिकट हैज़ बीन रिसीव बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बट सेकेंड टिकट डिड नॉट रिसीव बाय, मतलब आप सिंपल में इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे मैंने एक टिकट बुक किया था और उसका मेल आईडी पे मुझे पेमेंट जो मेरा डिडक्ट हुआ उसका मेल पर तो आ गया बट मुझे टिकट नहीं मिला, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो आपको आया था, जैसे ईमेल पे मुझे ये आया था, ठीक है, तो ईमेल का मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर मैंने मेल कर दिया। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल पे जो पेमेंट डिडक्शन का जो कन्फर्मेशन आया है वो आप लिख कर इनको मेल कर दीजिए कि मुझे वो टिकट आप प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए मेल के थ्रू। तो देखिए फाइनली मुझे उन्होंने टिकट प्रोवाइड किया था, तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि आखिर उन्होंने मेल का रिप्लाई किया और एम टिकट हैज़ अटैच्ड हेयर, ये जैसे कि इन्होंने मुझे एम टिकट दिया था, तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया था। तो आपको भी सिर्फ यही करना है कि एक बस छोटा सा मेल आपको लिख कर उनको सेंड कर देना है ताकि उस मेल के थ्रू आपको जवाब आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे मेल पर ये टिकट मुझे मिल गया था जो मैंने बुक किया था, ठीक है, 6 लोगों के लिए बुक किया था बट वो मेरा फंस गया था पता नहीं किसी रीजन से,
तो मेल के थ्रू आपको वो रिप्लाई आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड ये ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, वो दोबारा से ऐसा प्रॉब्लम ना झेल पाए, अगर ऐसा है तो फिर वो ये सारा प्रोसेस कर उस प्रॉब्लम से फिर अपना निकल पाए। तो मिलते हैं और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।